गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स का उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन के साथ में क्रोमेटिन रीमॉडलिंग तक हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक क्रोमोसोमल एब्रेशन और क्रोमोसोमल अल्टरेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन और क्रोमोसोमल अल्टरेशन क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम है जिसकी उस पर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस पर अगर कोई चेंजेस आ जाता है, चाहे वो बेस पेयर्स के सीक्वेंस का हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स वाला सीक्वेंस हो, तो अगर उसमें क्रोमोसोम के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं तो वो सीक्वेंसिंग जो होती है वो हमारी कहलाती है क्रोमोसोमल एब्रेशन। इट मींस डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन। जहाँ से क्रोमोसोम्स का ओरिजिन है, जहाँ से क्रोमोसोम बनना स्टार्ट है, उसका सीक्वेंसिंग में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, उसके नंबर्स में कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की, तो दे आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एब्रेशन या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एब्रेशन, एंड द सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल एब्रेशन या न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन। इसका मतलब है कि अगर क्रोमोसोम की संरचना में कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम उसको किस में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल एब्रेशन में स्टडी करेंगे। और अगर उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहा है, जो हमारे क्रोमोसोम्स का नंबर है, जैसे ह्यूमन बींग के केस में हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनमें अगर सीक्वेंसिंग में कोई चेंजेस आ रहा होगा तो हम नंबर के बिहाफ पर न्यूमेरिकल एब्रेशन को डिस्कस करेंगे एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्ट्रक्चरल एब्रेशन को डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार मैं ये फ्लो चार्ट आपको बता रही हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, देन वन बाय वन हम हर एब्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चरल एब्रेशन जो है, दे आर फोर टाइप्स। संरचनात्मक जो उसमें परिवर्तन आता है, उस संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर ये एब्रेशन जो है वो चार प्रकार का होता है। फर्स्ट है डिलीशन, ठीक है। डिलीशन नाम से पता चल रहा है कि कोई एक सीक्वेंस जो है वो डिलीट हो गया है। देन डुप्लीकेशन, देन इन्वर्शन एंड देन ट्रांसलोकेशन। देखिए, डिलीशन में कोई भी हमने आगे कैटेगराइज नहीं किया है। डुप्लीकेशन को अगेन हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशन थ्री टाइप से हो सकता है। फर्स्ट इज टैंडम डुप्लीकेशन, देन रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन एंड देन टर्मिनल टैंडम डुप्लीकेशन। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा है इन्वर्शन। इन्वर्शन को हिंदी में बोला जाता है प्रतिलोमन, ठीक है। डुप्लीकेशन को द्विगुणन, ठीक है, और डिलीशन मतलब विलोपन। इन्वर्शन को हम बोलते हैं, इन्वर्शन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक टाइप का और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक टाइप का। पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। लास्ट जो है हमारा वो स्ट्रक्चरल में वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन भी हम आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोसोम्स। नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा मीन्स विदिन, एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो रहा होगा। और फिर सेकेंड टाइप है नॉन रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोम एब्रेशन, या इसको हम ये बोल सकते हैं कि नॉन रेसिप्रोकल इंटर मीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर हो रहा है। तो ये है हमारे स्ट्रक्चरल टाइप का जो एब्रेशन है, वो फोर टाइप्स का, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। अब इसी तरीके से अगर हम आगे चलें कि न्यूमेरिकल एब्रेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो न्यूमेरिकल एब्रेशन को हम अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी टाइप ऑफ एब्रेशन, और सेकंड है हमारा एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी इट मींस यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें कोई चेंजेस आएगा, और यहाँ पर हमारा सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, पूरा कंप्लीट जो पेयर है उसमें हमारे चेंजेस आता है। दे आर डिवाइडेड इन अगेन थ्री कैटेगरी। फर्स्ट इज मोनोप्लॉइडी, देन डाइप्लॉइडी और थर्ड है पॉलीप्लॉइडी। इसी तरीके से एन्यूप्लॉइडी के अंदर हमारे टू टाइप्स हैं, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी को हम अगेन कैटेगराइज कर रहे हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज मोनोप्लॉइडी एंड थर्ड इज नलीसोमी।
इसी तरीके से हाइपरप्लॉइडी जो होगा उसको हमने दो कैटेगरीज में फिर डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज ट्राइसोमी टाइप ऑफ एब्रेशन एंड सेकेंड इज टेट्रासोमी टाइप ऑफ एब्रेशन. देन ट्राइसोमी को हमने फिर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्राइमरी ट्राइसोमिक, देन सेकेंडरी ट्राइसोमिक एंड थर्ड इज टर्शरी ट्राइसोमिक. तो ये था हमारा एक फ्लो चार्ट जो कि किससे रिलेवेंट है, ये हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन से रिलेटेड है. अब हम वन बाय वन जो है इन सारे एब्रेशन को पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहला जो है हमारा वो है हम स्ट्रक्चरल एब्रेशन को या स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चरल में हमारा फर्स्ट टाइप जो है वो है डिलीशन एब्रेशन. यानी डिलीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या बेस पेयर सीक्वेंस हमारा डिलीट हो गया है. अब अगर हम क्रोमोसोम की पोजीशन देखें तो देखिए हमारा क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच होता है एक बिंदु से जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर. यहाँ पर कुछ सीक्वेंसिंग पाए जाते हैं. जैसे इसे समझने के लिए देखिए मैं एक डायग्राम यहाँ पर, ये है हमारी क्रोमोसोम की वन आर्म और ये है हमारी सेकेंड आर्म. ये हमारा सेंट्रोमियर पोजीशन. देखिए यहाँ पर कोई सीक्वेंस प्रेजेंट है, मान लीजिए ए सीक्वेंस है, बी सीक्वेंस है, देन सेंट्रोमियर आ गया, देन सी सीक्वेंस है, डी सीक्वेंस है, इस तरीके से और आगे ई सीक्वेंस है. तो ये हमारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट है. अब हम जब बात कर रहे हैं डिलीशन की तो मान लीजिए कि यहाँ पर सी और डी जो है वो सीक्वेंस डिलीट हो गया है तो क्रोमोसोम की एक आर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक ही सीक्वेंस बचा है. तो यहाँ पर क्रोमोसोम के साइज में चेंज आ गया है, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है. तो एक आर्म तो रह जाएगी बड़ी, यहाँ पर क्या सीक्वेंस है बी और ये है ए, ये हमारे सेंट्रोमियर की पोजीशन, और एक आर्म रह गई छोटी तो यहाँ पर क्या रहेगा सीक्वेंस ई रहेगा. तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम का एक आर्म छोटा हो जाएगा और दूसरा साइज जो है वो एज इट इज रहेगा. इसका मतलब है कि यहाँ से क्या पार्ट डिलीट हो गया है, सी और डी सीक्वेंस जो थे वो डिलीट हो गए हैं. इस टाइप के एब्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिलीशन टाइप ऑफ एब्रेशन. देन नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन के अंदर हम फिर अगेन इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज टैंडम, देन रिवर्स टैंडम, देन टर्मिनल टैंडम. देखिए टैंडम में अगेन टैंडम का मतलब होता है, मतलब डुप्लीकेशन का मतलब द्विगुणन. टैंडम का मतलब है कि अगेन इसको डिवाइड किया है किसमें, वन आर्म और अनदर आर्म. एक भुजा के अंदर हो रहा है या दोनों क्रोमोसोम्स के जो दोनों आर्म्स हैं उनके अंदर हो रहा है. तो अगर टैंडम डुप्लीकेशन हो रहा है ओनली वन आर्म के अंदर, इट मीन्स केवल इसी जगह पर यह सीक्वेंस में चेंजेस हो रहा है. तो यहाँ पर है हमारा ए सीक्वेंस, देन बी सीक्वेंस, देन सी सीक्वेंस, देन सी सीक्वेंस, देन अगेन बी सीक्वेंस. ठीक है, तो ये जो है ये क्या हुआ है, रिवर्स हो गया, ये मतलब डुप्लीकेशन हो गया है. लेकिन किस में हुआ है, केवल एक आर्म के अंदर ही डुप्लीकेशन हुआ है. बी सी यहाँ पर है और सी बी जो है ये डुप्लीकेशन इस तरीके से हो गया है. ये सी बी भी आप इसको लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बी सी, क्योंकि टैंडम में बात कर रहे हैं तो बी सी बी सी दो बार रिपीट हो गया है और एक ही आर्म के अंदर है. तो ये किस तरीके का डुप्लीकेशन है, टैंडम में वन आर्म डुप्लीकेशन, देन अनदर आर्म डुप्लीकेशन. इट मीन्स ये है हमारी वन आर्म, ये हमारा क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर पोजीशन, ये है हमारी सेकेंड आर्म. तो यहाँ पर जो हमारा डुप्लीकेशन हो रहा है वो हो रहा है जैसे ये ए, देन बी, देन सी, देन यहाँ पर सी या बी, देन सी, देन डी, ये बी और सी, बी और सी. ये यहाँ पर सेंट्रोमियर के इस पोजीशन पर भी हो रहा है और मतलब क्रोमोसोम की एक आर्म में भी हो रहा है और दूसरी आर्म में भी डुप्लीकेशन का प्रोसेस हो रहा है. तो अगर एक ही आर्म में आ रहा है तो वन आर्म टैंडम डुप्लीकेशन, दूसरे आर्म में आ भी आ रहा है तो डुप्लीकेशन किस में, अनदर आर्म के अंदर. देन रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन. वॉट इज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, इट मीन्स कि यहाँ पर जो डुप्लीकेशन होगा वो कैसा होगा, वो रिवर्स फॉर्म में होगा. जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम का एक आर्म है, ये हमारी सेंट्रोमियर की पोजीशन है, देन यहाँ सीक्वेंस है ए बी सी, देन अगेन
बी सी, ठीक है, या फिर इसको अगर हम इस तरीके से करें, रिवर्स है इसलिए सी और बी, तो ये है बी सी सी बी, रिवर्स हो गया है इसका जो सीक्वेंस था वो यहाँ पर रिवर्स हो गया है। तो इस डुप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही आर्म में हो, ये दोनों आर्म में भी डुप्लीकेशन हो सकता है। इससे क्या होगा, क्रोमोसोम का साइज़ जो है आर्म का वो साइज़ बढ़ जाएगा, जिसके कारण कुछ चेंजेस आ जाएंगे। देन थर्ड टाइप है हमारा टर्मिनल टैंडम एब्रेशन या टैंडम ये डुप्लीकेशन। तो टर्मिनल मतलब टर्म एंड पर अगर हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा क्रोमोसोम का एक आर्म, ये हमारा सेंट्रोमियर का पोजीशन और ये हमारे क्रोमोसोम का सेकंड आर्म, तो यहाँ पर सीक्वेंस में चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा ए देन बी देन ए देन बी देन सी देन डी ई एफ और आगे जो भी सीक्वेंस हमारा चल रहा है, तो ए बी ये हमारा कहाँ पर हो रहा है, टर्म पर, ठीक है। इसके जो टर्मिनल पोजीशन है उस पर ये सीक्वेंसिंग जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो एक आर्म पर भी हो सकता है और दोनों आर्म पर भी हो सकता है। मान लीजिए एफ जी एफ जी, तो यहाँ तक अगर हम इस आर्म को बड़ा कर दें तो ये है एफ जी और एफ जी, तो ये दोनों तरफ दोनों आर्म पर भी डुप्लीकेशन हो सकता है। तो जो इनकी आर्म्स हैं उनके एंड्स पर अगर इस तरीके का डुप्लीकेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल टैंडम डुप्लीकेशन प्रोसेस। देन हमारा थर्ड टाइप का जो है वो है इनवर्शन। व्हाट इज इनवर्शन, इनवर्शन का मतलब है प्रतिलोमन, प्रतिलोमन मतलब पलटना या उलट जाना। इनवर्शन के अगेन हमारे पास में दो टाइप हैं, फर्स्ट इज पेरीसेंट्रिक और सेकेंड इज पैरासेंट्रिक। पहले हम बात कर रहे हैं पैरासेंट्रिक की, देन हम बात करेंगे पेरीसेंट्रिक पोजीशन की। व्हाट इज पैरासेंट्रिक पोजीशन, इट मींस यहाँ पर एक पार्ट क्रोमोसोम का इंक्लूड नहीं होगा और वो है हमारा सेंट्रोमियर वाला पार्ट। तो सेंट्रोमियर इज नॉट इंक्लूडेड इन एब्रेशन, एब्रेशन में इंक्लूड नहीं होता है। इट मींस ये अगर हमारा है सिंगल आर्म, ठीक है, ये क्रोमोसोम का सिंगल आर्म है हमारा और यहाँ पर प्रेजेंट है सीक्वेंस ए बी सी डी ई एफ और जी एच, ये हमारे क्रोमोसोम का एक है नॉर्मल पोजीशन पर। जब हमारा इन्वर्शन होगा पैरासेंट्रिक फॉर्म में तो ये रिवर्स हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर इस तरीके से एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सीक्वेंस यहाँ पर होगा ए देन बी देन हमारा सी डी ई और फिर अगेन यहाँ एफ जी और एच। अगर ये लूप ओपन हो जाएगा, इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्शन से इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया है। अब अगर ये लूप हमारा ओपन होगा तो ओपन होने के बाद में ये जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, ए बी देन हमारा ई अब पहले आएगा ई फिर डी फिर सी फिर एफ देन जी और देन एच। तो ये हमारा सीक्वेंसिंग जो है वो इन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम की एक आर्म में ही ये सारा चेंजेस हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, सेंट्रोमियर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीके से अगर पेरीसेंट्रिक की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या इंक्लूडेड होगा, ये सेंट्रोमियर आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ इन एब्रेशन या ऑल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर ये है हमारा क्रोमोसोम का एक आर्म, देन ये हमारा गुणसूत्र बिंदु जिसे हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं और ये हमारी सेकंड आर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा वो क्या है, ए देन बी देन सी देन डी, डी के बाद में हमारा है ई और एफ, सेंट्रोमियर की पोजीशन आ गई, देन हमारा जी एच आई, इस तरीके का सीक्वेंस हमारा सेकंड है। तो ये पोजीशन हमारी किसकी है, सेंट्रोमियर की। यहाँ पर जो इन्वर्शन होगा वो भी उसी तरीके से होगा,
लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, सेंट्रोमियर की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ देन जी एच और आई। जब ये ओपन होगा, इन्वर्शन इसका ओपन होगा, तो सीक्वेंसिंग क्या रहेगा, ए देन बी देन सी देन एफ। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन यहाँ पर है तो ये एफ के बाद में क्या आ जाएगा, सेंट्रोमियर पोजीशन, देन ई डी और उसके बाद जी एच और आई। तो इस तरीके से ये हमारा इन्वर्शन का प्रोसेस रहेगा। हमने तीन इन्वर्शन को डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।